बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और जनाब, ये है मेरा मॉर्निंग टाइम। तो आज जो है मैंने अपने ब्लॉग का आगाज़ किया है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग जो है ना, अभी बच्चे जा चुके हैं नाश्ता वगैरह करके, और ये आज जो है ना बड़ी जल्दी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। बच्चे जा चुके थे नाश्ता वगैरह करके, स्कूल चले गए थे, तो फिर मैंने कहा कि चलें अब हम भी नाश्ते से फारिग हो जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड उठ गए थे, तो वो चले गए थे हलवा पूरी लेने, और मैं यहाँ पर जो है ना अभी बना रही हूँ चाय। और एक तरफ जो है ना मैंने दूध रखा है पकने के लिए, और दूध में जो है ना अभी बर्फ़ जमी हुई है, फ्रीज़र से निकाला था मैंने, और हस्बैंड आ चुके हैं हलवा पूरी लेकर, तो फिर मैंने जल्दी से, हमारी चाय भी रेडी हो गई थी, और जो है ना मैंने नाश्ता निकाल लिया, और अब चलें करते हैं नाश्ता हलवा पूरी का। तो जनाब, मैं जो है ना यहाँ पर कहना चाहूँगी, जो भी मेरे वीडियो पे न्यू हैं या मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए, मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जो है अगर वीडियो पसंद आए तो वही लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो बड़ी मेहनत से जो है ना वीडियोस बनती हैं, हालांकि रिकॉर्ड तो मैं बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन वीडियो जो है ना फिर बहुत बड़ी हो जाती है, तो जो है ना फिर ज़्यादा लोग फिर बोर भी होने लगते हैं रोज़ एक ही चीज़ देख देख करना, तो इस वजह से बहुत कुछ भी मुझे जो है ना वीडियोस काट के फिर अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ मैं। तो अब यह है कि अभी चलें, अब नाश्ते से फारिग होने के बाद जो है ना मज़े से टेस्टी सा हमने नाश्ता करा यहाँ, और जिसको भी करना है तो आ जाए भाई, नाश्ता कर लें हमारे साथ। और तो अब ये जो है ना दोपहर का टाइम है, तो हस्बैंड जो है ना सब्ज़ी लेकर आए थे पकाने के लिए, तो ये देखें कितना फ्रेश फ्रेश ग्रीन ग्रीन सा हरा धनिया और रेड रेड टमाटर, जो कि बड़े महंगे हुए हैं भाई, टमाटर सब्ज़ी बड़ी महंगी हुई हुई है। और सब्ज़ी का ये है कि जब न्यू आती है ना सब्ज़ी, नई नई आ रही होती है, तभी उसमें जो है ना बड़ा जायका लग रहा होता है, महंगी जो होती है तो बड़ी अच्छी लग रही होती है, टेस्ट आ रहा होता है उसके अंदर, और जब वो थोड़ी सस्ती हो जाती है और बहुत ज़्यादा आने लगती है, सस्ती हो जाती है, तो फिर इतना टेस्ट नहीं होता है, पता ही नहीं क्या बात है। तो आज मैंने जो है ना बनाना था कीमा मटर, और हस्बैंड जो है ये देखे अनार भी लेकर आए थे, और वो जो है ना अनार छील रहे हैं बैठे हुए, तो बड़े रेड अनार थे, और तो कीमा भी मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है, अभी मटर वगैरह छीलेंगे और फिर जो है ना कीमा मटर बनाऊंगी आज मैं। लंच और डिनर एक ही बस मैं बना लेती हूँ एक ही दफ़ा अपना, तो लंच तो हम लोग वैसे नहीं होता हमारा, ज़्यादातर डिनर ही होता है, क्योंकि लंच नाश्ता जो है ना हम लोग बड़े देर में करते हैं, तो उस वजह से जो है ना फिर हम शाम में जल्दी खाना खा लेते हैं, और आज तो जो है ना हम लोगों ने नाश्ता बड़ी जल्दी कर लिया था, तो फिर फटाफट से जाकर जो है हस्बैंड सब्ज़ी वगैरह भी ले आए थे। तो अभी जो है ना ये रूहान भी मेरे साथ लगा हुआ है, मटर छील रहा है, और मटर भी जो है ना अभी बड़े अच्छे आए हुए, और बड़े महंगे मटर हुए हैं भाई। तो ये देखें रूहान भी मेरे साथ साथ, आपको हर जगह मिलेगा रूहान मेरे साथ, और जो भी काम करती हूँ ना ये मेरे साथ साथ ही होता है, सब जगह हर काम में ये मेरे साथ होते हैं रूहान। तो ये अभी जो है ना मटर छीलने, इनसे मटर छील नहीं रही, और तो भाई हमारे अनार आ चुके हैं, और थोड़े से इनको हमने ठंडा भी कर लिया था ऊपर, और हम लोगों ने जो है ना काला नमक डाल के थोड़ा सा चील करके इसको खाए ना, बड़ा मज़ा आता है खाने में। और भाई अनार हमने खा लिए, और यहाँ पर ये देखिए मेरा कीमा मटर, और थोड़े से मैंने सूखे अनार भी डाले थे,
रोहान इधर ही होता है ना, हमारे सारा दिन इधर ही होता है, तो वो आलू बड़े शौक से खाता है। तो फिर मैंने दो आलू भी इसके अंदर डाल दिए थे और बड़े टेस्टी सा मज़ेदार सा हमारा कीमा मटर आलू रेडी हो गया था। ये बस थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला ऐड किया है कि इसमें हमारे मटर भी गल जाएंगे और आलू भी गल जाएंगे। तो बहुत अच्छा सालन हमारा रेडी हो गया था कीमा मटर। और जो है ना कीमा मटर जो हमारा रेडी हो गया था, हमने अपना डिनर लंच जो भी था वो सब हो गया हमारा। उसके बाद जो है रात में हम लोगों ने मंगाया था मैंने पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा मेरा भाई बहुत फेवरेट है, मैं बड़े जो है ना शौक से खाती हूँ। जितने भी मेरे जान पहचान वाले हैं ना उन सबको पता होगा कि पिज़्ज़ा मेरा जो है ना बहुत फेवरेट है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। और मज़ेदार सा यहाँ पर पिज़्ज़ा भी मैं काट रही हूँ अपने लिए पीस, तो टिक्का फ्लेवर में था ये पिज़्ज़ा और बड़े मज़े का था। तो ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी वीडियो के साथ, और अभी दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।